माननीय राजा भैया जी, नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, माननीय आप बैठिए, सुन के जाइए। बहुत बढ़िया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अपने वक्तव्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत संक्षेप में बातें रखें, जो माननीय सदस्यों ने अभी तक इस सदन में कहा है उनकी बात कम से कम दोहराई जाए और ऐसे विषय रखे जाएं जिससे जो लोग हम लोगों को निर्वाचित करके भेजते हैं उस हर जाति वर्ग अगड़े पिछड़े हर समूह से जुड़े हुए उनके हित की बातें, और यही जनसत्ता दल का सिद्धांत भी है, इसी पे हम लोग निर्वाचित होकर के आए हैं। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी, उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं वो हमारे भाग्य विधाता जनता जनार्दन वो बाहर सुनती है, उसका आकलन करती है। हम यहाँ कितनी भी लच्छेदार भाषा में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह लें, जाना हमको वही है, उन्हीं के पास जाना है और फैसला भी उन्हीं का मानना पड़ेगा। श्रीमान, सड़क बिजली पानी ये ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हम सभी लोग इस उक्ति को, इस सिद्धांत को मानते हुए आए। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनने के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, हर विकासशील देश में देखने में भी अच्छी लगती है, यात्रा का समय भी कम होता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेसवे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं? आज ग्रामीण सड़कों का जो हाल, जो गड्ढे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है? सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है श्रीमान, और उसका एक कारण कि जिस क्षमता पे ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, कभी हुआ करता था कि ट्रक जो है उसमें 6 चक्के हुआ करते थे, ग्रामीण सड़कों की भार वहन क्षमता 9 टन से अधिक नहीं होती। आज 52 टन के ट्रक 20 चक्के 22 चक्के उस पर चल रहे हैं और भार वहन क्षमता उसकी 9 टन पर स्क्वायर इंच PSI है। तो सड़कें तो टूटेंगी, आप कब तक गड्ढे भरवाते रहेंगे? ये हम सभी के क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है श्रीमान। तो या तो ऐसे 10-20 चक्के वाले जो ट्रक है, जो 15-20 चक्के वाले ट्रक है, इनको वर्जित कर दिया जाए, एक अधिकतम उसकी भार वहन सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इससे अधिक भारी ट्रक ग्रामीण सड़कों पर नहीं चलेंगे, और या तो फिर ग्रामीण सड़कें उस मानक के अनुसार बनाई जाए कि ट्रक गुजर जाने के बाद अगर साइकिल और मोटरसाइकिल से या सामान्य यात्री उस सड़क पर चल रहा है तो उसको भी गड्ढा मुक्त सड़क का अनुभव हो, आनंद मिले। ये बहुत ही गंभीर विषय है श्रीमान, और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बजट में इसका समावेश होता तो बड़ा अच्छा रहता। दूसरा आ जाते हैं बिजली पे। गांव में 18 घंटे बिजली आ रही, जिला मुख्यालय पे भी आ रही, तहसील मुख्यालय पे भी आ रही, जितना आप लोगों ने बताया, हो सकता है एक आधा घंटा उससे कम ज्यादा हो, लेकिन आ रही।
लेकिन बिजली के साथ साथ विजिलेंस का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह के छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहां, कई माननीय सदस्यों ने इसको सदन में कहा भी है। फोन आता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे बाहर, बिजली दफ्तर के बाहर उनसे रकम तय की जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है, समस्या जहां की तहां। मैं समझता हूं कि इस पे भी माननीय बिजली मंत्री हैं यहां पे उपस्थित, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये ऐसी समस्याएं हैं कि आप इनको चाहे सत्ता पक्ष और चाहे प्रतिपक्ष किसी भी माननीय सदस्य से पूछेंगे तो हम सभी के क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं। सड़क बिजली के साथ साथ पानी, श्रीमान हर गांव में पानी की टंकी निर्माणाधीन है, जहां नहीं है वहां ये हो कि साहब जमीन चिन्हित की जा रही है, कुछ बन के तैयार हो गई हैं, कुछ बन रही हैं। बड़ा प्रचारित भी किया गया कि साहब अब हैंडपंप नहीं है, अब नल की टोंटी से आप सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। हम भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव गांव घर घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर पहुंचाया भी जा सकता है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। अब हैंडपंपों की जो स्थिति है, फिर इस बार हम सभी जानते हैं कि बारिश कम हुई है, सर्दी भी कम पड़ी है, आने वाला मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है और छोटे हैंडपंप पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, विशेषकर जो सूखे क्षेत्र हैं उनको तो विशेष प्रकोप इसका झेलना पड़ता है। जो हैंडपंप हम लोगों को मिलते थे वो हैंडपंप मिलना बंद हो गए हैं, ये कह करके कि अब पानी की टंकी से ही आप लोग जलपान करिए, पानी पीजिए। जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप खराब हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर करने के लिए जो प्लान थे, कोई भी इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर नहीं हो रहा है, और सभी माननीय सदस्य से सहमत होंगे सर। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक घर घर टोंटी का नल, पानी की टोंटी नहीं लग जाती है, तब तक ये सुनिश्चित कराएं कि इंडिया मार्क हैंडपंप, इंडिया 2 मार्क का हैंडपंप जो हम लोगों को मिलता था वो यथावत मिलता रहे। पानी की किल्लत और पानी की हाहाकार जो मचने वाली है आने वाले दिनों में, उसके पहले आपका ध्यान आकर्षण, इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहता हूं। और ये बहुत ही जटिल समस्या आने वाले अप्रैल से शुरू होकर के मई जून जुलाई आदि महीने में होगी।